यूट्यूब पे बहुत से ऐसे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे जो आपको 60,000 में i5 बना के देता है बट ओनली DDR4 में और 3200 MHz के रैम के ऊपर। बट अगर आप स्टूडियो लेन इंडिया से पीसी बिल्ड करते हैं तो DDR5 मॉडल का मदरबोर्ड, DDR5 मॉडल का रैम, DDR6 मॉडल का ग्राफिक्स का 1650 4GB विद इंटेल कोर i5 प्रोसेसर के साथ ओनली 60,000 में विद 2TB का सीगेट का 7200 RPM का हार्ड ड्राइव। सो हेलो गाइस, माय सेल्फ विशित पत्र एंड यू आर वॉचिंग स्टूडियो लेन इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम लोग एक DDR5 मॉडल के ऊपर i5 12 जनरेशन बिल्ड करेंगे। हाँ, और आज का पीसी का कॉस्ट क्या रहने वाला है, ओनली 60K। हाँ, 60,000 के अंदर ये कंप्लीट वीडियो एडिटिंग सीपीयू है जिसमें 1650 4GB DDR6 मॉडल का एक ग्राफिक्स कार्ड भी इंक्लूडिंग है। पहले बात कर लेते हैं किन्होंने इस पीसी का ऑर्डर दिया है। आदित्य स्टूडियो से इस पीसी का ऑर्डर आया है और जो कलकत्ता से है, और कलकत्ता लगभग मेरे ऑफिस से 100-125 या 130 इतना डिस्टेंस होगा। सो उनको जो है हम लोग कुरियर के थ्रू ये पीसी भेजने वाले हैं और कुरियर का ट्रैकिंग आईडी भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उनके तरफ से एक एडवांस अमाउंट भी आया हुआ है, उनका भी स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया, आप देख सकते हैं। और ये जो पेमेंट हुआ है क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया है। हाँ, इन भाई साहब को जो पीसी बनाना था टोटली क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो पेमेंट करने वाले हैं। फर्स्ट एडवांस भी उन्होंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही किया है। सो हम लोग जो है क्रेडिट कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, बस इस चीज़ को आपको बताना था। किसी को अगर पीसी बिल्ड करना है सो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करके आप पीसी बिल्ड जो करवा सकते हैं। और ये जो पूरी पीसी बन रही है इसमें क्या क्या है पहले मैं बता दूं। एक तो है आपका इंटेल कोर i5 का प्रोसेसर है, DDR5 का मदरबोर्ड है, DDR5 का 5200 MHz का रैम है, और DDR6 का 1650 का ग्राफिक्स कार्ड है, 2TB सीगेट का हार्ड ड्राइव है, एंड 500GB WD ब्लू का NVMe इस पीसी बिल्ड पे यूज किया गया है। और कैबिनेट कौन सा है वो भी मैं दिखाऊंगा, उससे पहले आप लोग छोटा सा पीसी की लुक्स की वीडियो देख लीजिए। पीसी बिल्ड होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक्स होने वाला है, और अभी मैं आपको एक एक करके सारे प्रोडक्ट दिखा देता हूं और मदरबोर्ड को फिट करेंगे, और उसके बाद जल्दी जल्दी मैं पूरी पीसी को असेंबली करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप भी इसी तरीके का पीसी बिल्ड करना चाहते हैं वो भी घर बैठे, सो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे एंड डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर से स्टूडियो लर्न इंडिया की टीम से कांटेक्ट कर लीजिए और अपने लिए एक बेस्ट प्राइस में बेस्ट पीसी बिल्ड। सो बात कर लेते हैं कौन से पार्ट्स इस पीसी बिल्ड पे यूज किया जाता है। पहला जो यूज हो रहा है इंटेल कोर i5 12400F प्रोसेसर। हाँ, ये इंटेल कोर i5 का प्रोसेसर इस पीसी बिल्ड में यूज किया जा रहा है, बहुत ही हैवी क्वालिटी की प्रोसेसर आज के डेट पे। और दूसरा प्रोडक्ट जो है यहाँ पे गीगाबाइट का मदरबोर्ड, गीगाबाइट का B760D2H मॉडल, और ये DDR5 मॉडल का एक मदरबोर्ड है जो आज के पीसी बिल्ड पे यूज होने वाला है। आप देख सकते हैं DDR5 यहाँ पे लिखा हुआ है, गीगाबाइट का B760M D2H मॉडल, और ये 12 जनरेशन 13 जनरेशन एंड 14 जनरेशन की प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मदरबोर्ड। कौन से स्पेसिफिक ऑप्शन इसमें एक्स्ट्रा है वो मैं वीडियो के अंदर जब पीसी बिल्ड होगा उस टाइम पे बताऊंगा, सो वीडियो पे बने रहिए। सो नेक्स्ट जो हम लोगों का प्रोडक्ट है वो है कोर्सिया का 5200 MHz का 16GB DDR5 मॉडल का रैम, ये भी DDR5 मॉडल का एक रैम है। सो कोर्सिया का DDR5 मॉडल का 5200 MHz का रैम इस पीसी बिल्ड पे यूज हो रहा है, सो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं इस पीसी का स्पीड कैसे होने वाला है। अगर स्पीड की बात हो रही है तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मुझे देना चाहिए, यूट्यूब पे बहुत से ऐसे वीडियोज भी आपको मिल जाएंगे जो आपको 60,000 में i5 बना के देता है, ऐसा उनका वादा है 60,000 में i5 बट ओनली DDR4 में और 3200 MHz के रैम के ऊपर। बट अगर आप स्टूडियो लेन इंडिया से पीसी बिल्ड करते हैं तो DDR5 मॉडल का मदरबोर्ड, DDR5 मॉडल का रैम, DDR6 मॉडल का ग्राफिक्स कार्ड 1650 4GB विद इंटेल कोर i5 प्रोसेसर के साथ ओनली 60,000 में विद 2TB का सीगेट का 7200 RPM का हार्ड ड्राइव, इतना कुछ के साथ ओनली 60,000। सो आप अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर जाते हैं जहां पे हम लोग की ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात किया जाएगा। यहाँ पे MSI का ग्राफिक्स कार्ड यूज किया जा रहा है, GeForce GTX 1650 DDR6 मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ सकते हैं थोड़ा देख लीजिए, DDR6 मॉडल का है ये, और ये GTX मॉडल है 1650 का ग्राफिक्स कार्ड, बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स कार्ड, जो वीडियो एडिटर एल्बम डिजाइनर है
उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अगर आप प्रीमियर प्रो या ईडीएस पे एडिट करते हैं सो बेझिझक इस ग्राफिक्स कार्ड को यूज कीजिए, आपको 100% पीसी का जो है रेंडरिंग स्पीड ए ग्रेड मिलने वाला है। और बात करते हैं इस पीसी की रेंडरिंग स्पीड की, इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ ये पीसी नॉर्मल फुटेज में ओनली 5 to 6 मिनट के अंदर 1 घंटे का रेंडर आपको निकाल के दे सकता है। सो एनवीएमई की बात कर लेते हैं, एनवीएमई यहाँ पे डब्ल्यूडी ब्लू 500 GB यूज किया जा रहा है, 5 ईयर्स वारंटी के साथ ये आता है और बहुत ही अच्छी एंड हाई क्वालिटी की एनवीएमई है। डब्ल्यू डी ग्रीन का भी एक मॉडल आता है बट डब्ल्यू डी ब्लू इज द बेस्ट एंड परफेक्ट स्पीड प्रोवाइड करता है एक पीसी में, क्योंकि सी ड्राइव में हम लोग एनवीएमई को यूज करते हैं सी ड्राइव के थ्रू। सो एनवीएमई की थोड़ा अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू डी ब्लू को 500 GB का यूज कर रहे हैं। और लास्ट में हम लोग की जो है यहाँ पे सीगेट का 2 TB का हार्ड ड्राइव, 7200 RPM का ये हार्ड ड्राइव है, अभी सिलकट नहीं हुआ, सिलकटेंगे और इसको लगाएंगे पीसी में, 7200 RPM सीगेट का हार्ड ड्राइव। साथ ही साथ इसमें जो पावर सप्लाई यूज किया गया है वो जेब्रोनिक्स का 600 वाट पावर सप्लाई, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स कार्ड हम लोग यूज कर रहे हैं सो पावर सप्लाई अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम लोग जेब्रोनिक्स का पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं। 3 ईयर्स वारंटी के साथ ये पावर सप्लाई आता है। अभी लास्ट में हम बात करेंगे कैबिनेट कौन सा यूज हो रहा है। सो कैबिनेट यहाँ पे गैलेक्सी रेवोल्यूशन 5 मॉडल का यूज किया जा रहा है, साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी ग्लास है और बहुत अच्छी क्वालिटी की गैलेक्सी की कैबिनेट है। जिन्होंने गैलेक्सी की कैबिनेट पे पीसी बिल्ड किया है इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल से, सो उनको पता है इसका क्वालिटी कितना अच्छा होता है। और गैलेक्सी कैबिनेट के ऊपर लगभग 5 या 6 वीडियो मेरा पहले से अपलोड है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की कैबिनेट है। ऊपर में यहाँ पे आपको डस्ट फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर डस्ट फिल्टर का ऑप्शन है और साइड से कुछ इस तरीके का आता है। लुक्स तो मैंने आपको दिखा दिया बिल्ड के बाद कैसा लग रहा है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। 120mm का 3 फैन सामने और पीछे भी एक 120mm का फैन है, टोटल 4 फैन है 120mm का। और ये RGB कैबिनेट है, इसको भी हम लोग इस पीसी बिल्ड में यूज कर रहे हैं। कैबिनेट के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, इससे पहले भी मैंने बहुत बार इस कैबिनेट को यूज किया है। सो पहले हम मदरबोर्ड के साथ प्रोसेसर रैम NVMe ये सब ऐड कर लेंगे, उसके बाद जल्दी जल्दी में पीसी बिल्ड करेंगे, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है। पीसी यहाँ पे असेंबली कंप्लीट हो चुका है, सामने से पीसी का लुक्स कुछ इस तरीके का आ रहा है और साइड से कुछ इस तरीके का, यहाँ पे तो ग्लास लगेगा। बाकी बोलने वाली जो चीज है इसमें 120mm के 4 RGB फैन है, सामने 3 और पीछे 1, और साइड से कुछ इस तरीके का लुक्स आ रहा है पीसी का। और इस पीसी में जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे GeForce GTX 1650 का 4 GB ग्राफिक्स का लगा हुआ है और सीगेट का 2 TB हार्ड ड्राइव और कोर्सियर का 5200 MHz DDR5 रैम एंड गीगाबाइट का 2760mAh DDR5 का मदरबोर्ड और जैसे कि डब्ल्यूडी ब्लू NVMe एंड सीगेट का 2 TB हार्ड डिस्क। इतने सारे फैसिलिटी के साथ ये पीसी ओनली और 60,000 का पड़ा है, टोटल पीसी का जो कॉस्ट है 60,000 ओनली। अगर मार्केट में अगर आप थोड़ा सा भी पीसी के रिलेटेड यूट्यूब वगैरह में वीडियो वगैरह देखें तो आपको देखने के लिए मिलेगा ऐसे 2-1 यूट्यूबर्स हैं जो आपको मतलब विदाउट ग्राफिक्स कार्ड विदाउट हार्ड डिस्क
एंड NVMe ओनली फॉर 256 GB देके DDR4 में, ये तो मैं DDR5 में प्राइस बता रहा हूँ 60,000, DDR4 में आपको 60,000 बोलेगा। इस सारे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, क्योंकि क्या है ना, ये लोग अपने प्रॉफिट के चक्कर में कस्टमर की नुकसान कराते हैं, बट हम लोग ऐसा नहीं है। देखिए हर एक प्रोडक्ट हम भी असेंबली करते हैं, दो पैसा हम भी रखते हैं, क्लियर सी बात है। हर एक प्रोडक्ट में कोई भी आपको कहीं से भी बना के दे, दो पैसा वो भी प्रॉफिट पे रखेगा, बट इतना भी नहीं जो एकदम हाईली हो जाए। 60,000 में ओनली DDR4 में 256 GB SSD देके आप लोगों को 60,000 रुपए बिल करता है। बट स्टूडल इन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली क्लीन इन क्लियर है विद GST बिल। ये पूरा पीसी का जो कॉस्ट है ओनली 60,000 रुपीज, GTX का ग्राफिक्स कार्ड के साथ, सीगेट का 2TB हार्ड ड्राइव के साथ, एंड आपका WD का ब्लू NVMe इसमें डाला हुआ है। बाकी तो जिनको थोड़ा बहुत पता है उनको पता चल ही चुका है किस प्राइस में क्या पीसी हम दे रहे हैं। अभी जिन कस्टमर का ये पीसी बना है, जिन भाई साहब का, उनको हम लोग वीडियो कॉल पे लेते हैं और पूरी पीसी उनको एक बार दिखाते हैं और उनसे जानते हैं पीसी का लुक्स कैसा हुआ है, वो तो उनसे भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अभी उन भाई साहब को एक बार वीडियो कॉल लगा लेते हैं। नमस्ते भाई साहब। तो पीसी एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे सामने जैसे कि आप जो कैबिनेट दिखाया गया था वही कैबिनेट है ना? ओके, पहले तो आप मेरे व्यूअर्स को अपना नाम एक बार बता दीजिए, जिससे कि लोगों को थोड़ा कंफर्मेशन हो जाए जो मैंने जो नाम बताया या जो डिटेल्स बताई थी वो करेक्ट है। नाम क्या है भाई साहब आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार साहब है। ओके, कहाँ से? कलकत्ता से ही है ना? हाँ, कलकत्ता से। ओके, एक बार प्राइस की भी बात हो जाए, इस पीसी का मैंने क्या प्राइस आपको बताया था विद हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के साथ क्या प्राइस में बात हुआ था? हार्ड डिस्क के साथ 60 मतलब 2 के लगभग हो गए, 60 कितना बताया था हमने पिछली पे। ओके ओके, मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ, वो आपको आप चेक करेंगे तो पता चला, लगभग 60,000 इस पीसी का पूरा जो है कॉस्ट आया है। तो ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए कैबिनेट वही है गैलेक्स का जो हमने आपको दिखाया था, जेब्रोनिक्स का 600W का SMPS है, 600W का SMPS, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका GTX का MSI GTX का आपका 1650 ग्राफिक्स कार्ड 4GB का, यहाँ पे इंटेल कोर i5 12 जनरेशन एंड DDR5 का रैम 5200 MHz एंड DDR5 का मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क सीगेट का यहाँ पे डाला हुआ है, वो आपको अभी दिखेगा नहीं, जब आपके पास पहुंचेगा आप चेक कर पाएंगे, ठीक है, 7200 RPM का जो जो बात हुई थी। अभी आप थोड़ा अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए कोई पार्ट्स मिसिंग हो। ओ सॉरी, एक चीज बोलना भूल ही गया, यहाँ पे WD का ब्लू देख सकते हैं क्या? ब्लू ही लगा हुआ है, ठीक है, WD ब्लू 500 GB NVMe, और आप अपने हिसाब से थोड़ा देख लीजिए कोई पार्ट्स मिसिंग हो या कुछ हम लोगों की बात जो बात हुई थी वो कुछ है या नहीं है। ऊपर में यहाँ पे डस्ट फिल्टर है जिससे कि धूल से बचा रहे पीसी पूरा तक, ठीक है। ओके, तो फिर एक बार बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को लुक्स कैसा लगा आपको पीसी का? बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू। काम से संतुष्ट तो है ना, बस इतना ही जानना मेन होता है, बाकी तो देखिए पीसी तो आप वहाँ पे भी बना सकते हैं, आप हमसे क्यों बना रहे हैं? काम से संतुष्टि होना सबसे बड़ी बात है और वो हमारे लिए मेन पाना भी वही है, ठीक है। आप अच्छा बोल दिया, मतलब हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज है। बाकी तो आप पीसी जब जाएगा आप पहले यूज कीजिए, मेरा ये रिक्वेस्ट है, यूज कीजिए और यूज करने के बाद एक्चुअल पीसी का परफॉर्मेंस कैसा लगा, जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया था सर DDR5 में बनाइए, सही ना? आप तो पहले कंफ्यूजन से DDR4 में करें या DDR5 में, बट मैं आपको बता दूं इस पीसी का स्पीड को लेके आपको कभी भी मेरे पास कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं 100% ये श्योर हूं, ठीक है। यहाँ पे जो ग्राफिक्स का लगा हुआ है और जो रैम एंड मदरबोर्ड लगा हुआ है, इससे आपकी जो स्पीड आएगी 100% 100% आप एकदम श्योर रहिए, इसमें स्पीड के मामले में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बाकी तो लुक्स आप देख ही सकते हैं, बाकी बहुत जल्दी मैं आपको कोरियर कर रहा हूँ, आई होप कल सुबह कोरियर ट्रैकिंग आईडी आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा और 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास पीसी जो है डिलीवर हो जाएगा। सर मेरा वो सॉफ्टवेयर, हाँ जो बातें हुई थी सॉफ्टवेयर रिलेटेड वो मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ ऑलरेडी, उसका डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप पे दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा जो जो बात हुई थी वो सब कुछ है, और इसका जो मतलब कुरियर होने के बाद ट्रैकिंग आईडी आपको व्हाट्सएप में दे दूंगा, आप जरूर एक बार चेक कर लीजिए। और छोटा सा एक रिक्वेस्ट, मैं हर एक वीडियो में ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जब आपके पास पीसी पहुंच जाए, कंप्यूटर आपके पास पहुंच गया, आपने उसका उसको चलाया 1 महीने 1.5 महीने, उसके बाद मेरे जो यूट्यूब पे आपका ये वीडियो आएगा, काइंडली उस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट करके बताइएगा पीसी का स्पीड परफॉर्मेंस या कोई भी आपको ऐसा लगा हो, मतलब प्रोडक्ट सही नहीं मिला या बिल नहीं मिला, GST बिल तो मस्ट भी हम लोग देते हैं, वो तो है ही, तो बिल नहीं मिला, ये सब चीज आप उस पर मेंशन कीजिएगा, जैसे कि और भी जो पर्सन परचेस करने के लिए सोच रहे हैं उनके मन में वो डाउट्स ना हो, बस इतना मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, ठीक है सर? ओके थैंक यू,
बहुत अच्छा लगा बात करके, और ये बहुत जल्दी आपके पास पीसी जो है डिलीवर होने वाला है। सो आप लोगों ने भी सुन लिया आदित्य जी ने क्या बताया, उनका जो बोलना था वो डीडीआर 4 में बिल्ड करने का उनका टारगेट था, बट मैंने उनको सजेस्ट किया कुछ पैसा ज्यादा जाए बट तो आप डीडीआर 5 में बिल्ड कीजिए। डीडीआर 5 का सीपीयू विद जीपीयू के साथ जीटीएक्स का 1650 जीपीयू लगा हुआ है, उसमें 2 TB का सीकेट का हार्ड ड्राइव डाला हुआ है, WD का 500 GB NVMe डाला हुआ है, गीगाबाइट का डीडीआर 5 मॉडल मदरबोर्ड एंड कोर्सिया का डीडीआर 5 मॉडल 1200 MHz का रैम, इतने सारे फैसिलिटी के साथ प्राइस ओनली 60,000। अगर आपको भी इस तरीके का बेस्ट प्राइस में बेस्ट पीसी बनाना है घर बैठे, तो जरूर डिस्प्ले में दिए हुए नंबर पे एंड डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर पे स्टूडियो लाइन इंडिया की टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है जाके डायरेक्ट सर से बात करके वहीं से पीसी बनाएंगे, तो उसके लिए भी ऑप्शन है, गूगल पे जाइए स्टूडियो लाइन इंडिया सर्च कीजिए, हमारा ऑफिस एड्रेस आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप नीचे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा कहां से कहां पे आना है, आके डायरेक्टली बैठ के अपने हिसाब से पीसी असेंबली करके लेके जाइए। और आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके आपको बताना है, वीडियो को अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर देना है, हो सके तो अपने फोटोग्राफर दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर लेना है, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए इसके लिए बिल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखना है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कोई इंटरेस्ट पीसीबिल्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।